हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि क्या होगा अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है और अगर उस कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस को आप डबल कर दो और जो रेजिस्टेंस है उसका उसे आधा कर दो। देखिए, अगर सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ही डबल कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक करंट भी डबल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और अगर सिर्फ रेजिस्टेंस को ही आधा कर दिया जाए तब भी करंट डबल हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो रहा है और रेजिस्टेंस भी आधा हो रहा है, मतलब दोनों साइड से करंट डबल हो रहा है। पहले डबल होता है, फिर डबल का भी डबल, मतलब फोर टाइम्स। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, करंट जो है वो फोर टाइम्स हो जाएगा अपनी ओरिजिनल वैल्यू के।